आपने सुना नहीं था, अजय सिंह का एक बयान आया था, उसने कहा था कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में चला, और वो इस्तीफा लेके जेल चला जाता है। ये इस्तीफा नहीं दे सकते, जिस दिन इस्तीफा देने की बात आएगी उस दिन कहेंगे अजय सिंह की जेब में मजबूरी है, कहां से नहीं। तो आगे गांव में पंचायत चुनाव ड्यू है वो करवाए नहीं जा रहे, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होगा, ये भी केवल अपने एमएलए को रोकने का एक तरीका है। भाजपा में भी बगावत है और जेजेपी में भी बगावत है, और बहुत जल्दी ये बगावत जो है आपके सामने खुलकर के आएगी। जेजेपी एमएलए 15 दिन का कह रहे थे जी, लेकिन अब चुप है 1.5-2 महीने से। जेजेपी एमएलए देवेंद्र बबली कह रहे थे मैं छोड़ दूंगा विधायकी लोगों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन अब 2 महीने हो गए चुप है। मंत्रिमंडल का दे दिया लॉरी को। पिछले दिनों में दुष्यंत ने कहा था ना कि मैंने एक एमएलए का नाम अपनी तरफ से सरकार को दे दिया, उस बबली ने गले में अंगूठा दे करके अपने नाम की चिट्ठी बनवाई थी, और वो ये कह करके गया था दुष्यंत उसको बबली को कि मैं नड्डा को देख करके आरोप दे रहा, या दुआ किसी का नहीं दे तो दिग्विजय का रखा है। बारी बारी ये कहते हैं कि दिग्विजय को मंत्री बना दो फिर हम इलाहाबाद से चुनाव लड़ लेंगे। मैं चाहता हूं ये बात कि दिग्विजय को मंत्री बनाया जाए जरूर, और बना करके यहां से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि एन अच्छी तरह से इस बात का लोग फैसला करते हैं कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कितना चलने वाले लोग हैं। तो दिग्विजय को बनाना चाहता है मंत्री, ये किसी और को नहीं बनाना चाहता, और दिग्विजय को इसलिए बनाना चाहता है कि अगर दिग्विजय को मंत्री नहीं बनाया तो दिग्विजय ही खेल खिंडा देगा इनका सारा। मेरे कहने